नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुभद्रा योजना उड़ीसा अप्लीकेशन स्टेटस चेक। आप अपने आवेदन का स्टेटस है वो ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पूरी जानकारी। अगर आपने सुभद्रा योजना के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आवेदन कर दिया है तो आप अपने आवेदन का स्टेटस है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस चेक करने के कई तरीके हैं जो यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किन किन तरीकों के माध्यम से उड़ीसा अप्लीकेशन स्टेटस है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले और ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सुभद्रा योजना है क्या। सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना है जिसमें महिलाओं को 50,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा कई किस्तों में और उसमें महिलाओं को नगद बाउचर महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके आवेदन है वो 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन है वो किए जा चुके हैं। तो वो अपना आवेदन का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कई तरीके हैं जिसमें आप अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप CSC केंद्र के माध्यम से अपने आवेदन का स्टेटस चेक करवा सकते हैं, आप मो सेवा केंद्र के माध्यम से भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा। जो ये ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी आने वाले समय में अपने आवेदन का जो स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे इस तरीके का एक फॉर्म दिखाई देगा। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से जाने पर ही आपको ये फॉर्म दिखाई देगा और इस फॉर्म में आपको सबसे पहले आप अपना स्टेटस आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से देखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपने जो सिलेक्ट किया है वो आधार या मोबाइल नंबर आपको टाइप करना होगा और फिर जो कैप्चा कोड लिखा है वो कैप्चा कोड आपको टाइप करना है और फिर सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड नंबर से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको टाइप करके और सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपके जो आवेदन का जो स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सुभद्रा योजना का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो तीन तरीके से देख सकते हैं। आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर भी देख सकते हैं, CSC केंद्र के माध्यम से भी और मो सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और आने वाले समय में ऑनलाइन इस तरीके का फॉर्म भी जोड़ दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन का ऑनलाइन स्वयं एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आने वाले ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।